सभी को रचना मेहरोत्रा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बेल का शरबत बनाएंगे। बेल का शरबत पेट के लिए बहुत फायदा करता है और इसका कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। हम देखेंगे बेल के शरबत के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। एक बेल लिया है हमने, बेल हमने तोड़कर इसका सारा पल्प निकालकर एक लीटर पानी में दो घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। आधा कप चीनी। आइए बेल का शरबत बनाना शुरू करते हैं। बेल सारा फूल गया है। बेल के बीज शरबत में मैच नहीं करेंगे, इस तरीके से सारे बीज इसमें रह गए हैं। इसको हम डायरेक्ट छान देंगे, अब इसको कुछ मैश नहीं करेंगे। बेल का गूदा ज्यादा दबाकर प्रेस करके नहीं छानेंगे। अब इसमें चीनी मिला देती है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी ज्यादा या कम डाल सकते हैं। बेल के शरबत में हमने आधा कप चीनी मिलाई है। चीनी मेल्ट हो गई है, अब हम शरबत को सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। बेल का शरबत बनकर तैयार हो गया है। आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके भी पी सकते हैं और आइस क्यूब डालकर भी ठंडा करके पी सकते हैं। बेल का शरबत बनकर तैयार हो गया है। आप इसे बनाइए, पीजिए और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ रचना मेरोत्रा.com पर।